के किसानों ने मुआवजा न मिलने पर चौथे दिन फिर से लगाया जाम। महेंद्रगढ़ के किसानों की दिन दशा आए दिन हो रही खराब। किसानों ने शाम को फिर से हाईवे को कर दिया जाम। किसानों का कहना है कि तीन दिन से हमारी सरसों की खरीद नहीं हो रही और सरकार द्वारा मुआवजा भी नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि हम तीन दिन से कड़ी धूप में तप रहे हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा छाए की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी मिल रहा। इसी के चलते हाईवे को जाम कर दिया गया है। जाम की स्थिति करीब आधे घंटे तक बनी रही, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारियों ने जाम खुलवाया और कहा कि रात को वारदाना उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया और कहा गया कि आप सभी किसानों की समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। देखिए K9 मीडिया के लिए महेंद्रगढ़ से कृष्ण सैनी की रिपोर्ट। स्टेट हाईवे जाम किया, किस आश्वासन के बाद आपने जाम खुलवाया, क्या था पूरा मामला? ये बारदाने की वजह से परचेज नहीं हो रही थी, अब रास्ते में बारदाना, जैसे ही बारदाना पहुंचता है बिल्डिंग चालू कर दें। और कहां से आ रहा बारदाना, कब तक पहुंचेगा? पानीपत से आ रहा है, अब रास्ते में है, शाम तक देर तक पहुंचेगा। ये बार बार जैसे बारदाना ना मिलने पे ये क्यों दिक्कत आ रही है, क्या लगता है? बारदाना तो पता ही है, बारदाने की क्राइसिस चल रही है। शाम ने 300 क्विंटल जी उठा रहा है नांगल का, पूरे बारदाना पूरे कैसे पड़ी है, बिल्कुल ओपन खुले में। अगर बारिश आ गई है तो सरसों सारी खराब हो जाएगी, न भरने को कोई आएगा, जमीन में जाकर गिर जाएगी, सारी गिर जाएगी। आप बताओ सर, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत यह है, तीन दिन होने पड़े कोई आ रहा नहीं, तो बारदाना मिल रहा है ना, भरने आ रहे हैं। अभी अलवर से बता रहे हैं, बारदाने की दिक्कत आ रही है, बारदाने की दिक्कत आ रही है, लेबर की दिक्कत आ रही है। सुंदरपाल लाउन से। हाँ जी, नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।